आज मैं सो गया। ठीक है वेस, लगा थैंक दिया यू मैम। आपकी फातमा। ठीक है प्रेजेंट ठीक मिस, है फन सब, प्रेजेंट। वैसे भी आपकी सेकंड क्लास है आज, नो मिस, थर्ड है। मिस इससे पहले कहाँ थी आप? आई थी मीटिंग में। मिस आई थिंक मैं लेट आई थी, तो मैं चैट पे लिखना भूल गई थी शायद। फर्स्ट डे। मेरी क्लास में अटेंडेंस के भी मार्क्स हैं, खैर वो मैं अभी बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने डिवीजन किया आप लोगों के मार्क्स। हाफिज मोहम्मद अनस, हाफिजा अरीशा, प्रेजेंट। ठीक है, हमजा अहमद, हमजा जफर, हिफ्जा हमीद, इफ्राहिम अहमद, खैरुन्नेसा, माहीन तुफैल, महमश, मीर शाहरुख, मिर्जा मुइज, मोहसिन अली, प्रेजेंट। मोमिना साकिब, अरकम मोहम्मद, अरकम अब्दुल रहमान, असद, असदुल रजा, आतिफ सलीम, मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट मैम। बिलाल प्रेजेंट है, यस मैम। प्रेजेंट ठीक है, फजान चावला, मिस। ठीक है, हमाद, हमाद खालिद, प्रेजेंट मिस। ठीक है, हमजा अली, मोहम्मद मोइनुद्दीन, मुबशर हनीफ, मुकर्रम असद, मिस प्रेजेंट। मुकर्रम, ये मिस प्रेजेंट। ठीक है, मोहम्मद मूसब, नईम सिद्दीकी, प्रेजेंट। ठीक है, नईम, नवीद रजा, नाजर कुदरत, मिस। ठीक है, उसामा अहमद, प्रेजेंट। उसामा प्रेजेंट है, ठीक है, सालिम खान, उमर सलीम, जहीर कुरैशी, जयान अली, मसमर खालिद, उसामा अली, उसामा आमिर, साद अली खान, सैफुल्ला, शान, शर्जील, यस मिस प्रेजेंट। ठीक है, शेरोज, प्रेजेंट शेब, हुसैन अब्बास, प्रेजेंट ठीक है, हुजैफा अली, प्रेजेंट। मोहम्मद दानिश, ताहा, तलहा अजीम, तौकीर अब्बास, प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट। ठीक है, तौकीर, तौकीर जान, ये आपकी पहली क्लास है? यस मिस। इससे पहले कहाँ थे आप? मिस मैं पंजाब गया हुआ था। तो ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं था आप? मिस वहाँ पे इंटरनेट का मसला है। आपको ये पता नहीं है कि 75% अटेंडेंस ना हो तो पेपर अटेम्प्ट करने नहीं दिया जाता। सॉरी मिस, मुझे पता नहीं था ये। सॉरी, मैं आपको पेपर देने नहीं दे सकती। उसे शकील, उजैर अहमद, वहाज अंसारी, वकास अहमद, वजाहत अल्लाह खान, जैद खान, जुहेब अली, मिस मोशन देख लें, 32 लगा दी आपने। बाकी जिन लोगों की अटेंडेंस रह गई है वो चैट पे अपनी अटेंडेंस अपने रोल नंबर और सेक्शन के साथ लिखते हैं। मोहसिन की लगा चुकी हूँ मैं, वो मैं क्लास के बाद देख लूंगी। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों की शॉर्ट अटेंडेंस है मैं पेपर देने उन्हें नहीं दूंगी, जिनकी बहुत ज्यादा शॉर्ट है, आज पहली क्लास है, दूसरी क्लास है।
ये बीएस चल रहा है आपका, कोई मजाक नहीं चल रहा। दूसरी बात ये कि आप लोगों के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि आपका जो फाइनल पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो आपके 50 मार्क्स हैं वो मैं सेशनल में डिवाइड करूंगी। सेशनल में एक तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट जो होगा वो आपके ग्रुप में होगा और प्रोजेक्ट जो है वो 20 मार्क्स का है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके नेक्स्ट वीक आपका एक क्विज है, क्विज जो है वो आपका 10 मार्क्स का है। क्विज अगर टाइम मिला, वैसे तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है, मैं दो क्विज ले लूंगी, उनमें से कोई भी एक बेस्ट जिसमें आपके अच्छे मार्क्स होंगे उसके मार्क्स इंक्लूड कर लूंगी हमार मैं नेट ग्रुप बंद में। कर, आप माइक बंद करें। हमार नेट बंद कर, क्लास हो रही है। तो 10 मार्क्स का आपका क्विज है, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है, यह हो गया आपके 30 मार्क्स। इसके अलावा 10 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है, 5 मार्क्स के आपके अटेंडेंस के मार्क्स हैं, जिन लोगों की फुल अटेंडेंस है या ज्यादा 80% अटेंडेंस भी है तो उनके 5 मार्क्स हैं उसके। मैं एक दफा लिख देती हूँ ये ताकि आप लोगों मैम जी। मैम, इसके पहले हमने चैट पर अपनी रोल नंबर और अटेंडेंस के लिए लिखा था, आपने वो काउंट किया है ना? बिल्कुल काम किया, जो भी चैट पे अटेंडेंस आती है मेरे पास वो मैं नोट कर लेती हूँ क्लास के बाद, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? जी मिस, ये आप लोगों की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, 50 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम है, 10 मार्क्स का आपका क्विज है, नेक्स्ट वीक आपका क्विज होगा, ठीक है। क्विज में क्या होगा वो मैं बताती हूँ अभी। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है जो मैं क्लास में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रोजेक्ट आपका ग्रुप में होगा, मैक्सिमम आपका जो ग्रुप है वो 4 लोगों का हो सकता है, मिनिमम 2 का, 1 का, जो 2 पार्टिसिपेंट्स मिनिमम है, ठीक है। ग्रुप 2 का बनाए या मैक्सिमम 4 का हो सकता है, 4 से ज्यादा का ग्रुप नहीं होगा। प्रोजेक्ट में आपने वो चीजें यूज करनी है जो हम क्लास में पढ़ चुके हैं, आप पाइथन पे बनाए और एसक्यूएल सर्वर वगैरह यूज करके बनाए कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट जो कि आपका 20 मार्क्स का है। क्लास पार्टिसिपेशन, जो बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट करते थे और करते हैं उसके 5 मार्क्स हैं जो मैंने अपने पास नोट भी किया हुआ है। 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के हैं और 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट के हैं जो आप लोग क्लासरूम पर सबमिट करवाते हैं, ठीक है। किसी को कोई मसला? फाइनल एग्जाम जो है वो 50 मार्क्स का होगा। मिस क्विज के बारे में बता दें, मिस क्विज किस हवाले से आएगा? क्विज अब तक हम जो कुछ पढ़ चुके हैं उसमें से आएगा। हमने जितने ठीक भी है, सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़े हैं या एसक्यूएल सर्वर पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, उनमें से क्विज आएगा आपका। मिस क्विज कब होगा? क्विज नेक्स्ट वीक है आपका। अच्छा, क्विज में होगा ये, मैं कोशिश करूंगी 2 क्विज ले लूँ ताकि अगर किसी के एक में बुरे मार्क्स भी आए तो वो सेकंड में अच्छे हैं तो उनको कंसीलर कर लें। क्विज जो है आपका, क्विज में आप लोगों ने अपने कैमराज ऑन रखना है, ठीक है। और बाकी जो कुछ मैंने पढ़ाया उसी में से आएगा क्विज आपका। अच्छा, आज जो ओके। है हम रिकर्जन पढ़ेंगे और क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे। रिकर्जन और मिस, आप प्रोजेक्ट जी, कब देंगी बनाने को? अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो आप लोग बनाना शुरू कर दें पहले, लेकिन प्रोजेक्ट सबमिशन जो है वो आपकी एग्जाम्स के बाद होगी, मिस फाइनल कोई कोई फाइनल भी एग्जाम के अच्छे से बाद। क्या टॉपिक ले लें प्रोजेक्ट के लिए। कह रहे हैं? प्रोजेक्ट के लिए किस पे बनाना है प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट आप पाइथन पे बनाए, एसक्यूएल सर्वर यूज करते थे बनाए, और उसकी जीयूआई होनी चाहिए, बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होना चाहिए, ठीक है। ठीक, कुछ भी बना सकते हैं, कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना लें या कोई ऐप बना लें, देख लें। वैसे क्लास में हम इतनी दफा इतने सारे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह डिस्कस करते हैं, उनमें से कुछ बना लें जी। मिस जीयूआई तो अभी पढ़ा ही नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कुछ भी। जीवा या आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, अगर कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और मिस ऐप डेवलपमेंट भी अभी कुछ नहीं पढ़ा है क्लास में। आप नहीं डेवलप करें, आप पाइथन पे कोई छोटी सी एप्लीकेशन बना लें मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है। मिस इसके ग्राफिक्स के बिना नहीं चलेगा?
मिस वेब पे भी बना सकते हैं ना, वेब ऐप किसी पे भी बना लें, आपकी मर्जी है, जो जो चीज में आप लोगों को जो फीसिबल हो आप लोगों को। ओके मिस, ठीक है। अच्छा आज जो है हम रिकर्जन पढ़ने वाले हैं, रिकर्जन का किसी को आइडिया है, पहले से रिकर्जन होती क्या है? यस मिस, बताएं। मैं तो फंक्शंस के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं, आइटरेटिव का एक आइटरेशन का एक दूसरा मतलब आइटरेशन का अल्टरनेट मेथड है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरीके से हम फॉर लूप लगाते हैं, व्हाइल लूप लगाते हैं, इसी तरीके से आइटरेट करवाने के लिए कोई एक काम, एक ही फंक्शन अगर आपका बार बार कॉल हो रहा है तो हम रिकर्जन यूज करते हैं। मीन्स ये कि फंक्शन कॉलिंग अ फंक्शन फ्रॉम अ फंक्शन इज रिकर्जन। फंक्शन के अंदर से ही आप फंक्शन को कॉल करते हैं, वो रिकर्जन होती है। तो ऐसे सिनेरियोस जहां पर आपके एक ही जैसे काम बार बार हो रहे हो वहां पर हम रिकर्जन कॉल करते हैं। जैसे कि हमारे एक फैक्टोरियल की एग्जांपल है, इसकी बहुत फेमस फैक्टोरियल जिस तरीके से कैलकुलेट करना है, लेट्स से अगर मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है वो क्या होता है, नंबर जो है वो मल्टीपल, अगर मुझे 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा ही है। बेसिकली नंबर जो है वो एक आप नंबर में से माइनस वन करते हैं और वो उससे मल्टीप्लाई होता जाता है। ये आपके फैक्टोरियल निकालने का तरीका है, इस तरीके से फैक्टोरियल निकालते हैं हम। तो ये काम जो है हम रिकर्जन के थ्रू कैसे कर सकते हैं? अच्छा ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक रिकर्जन रिकर्जन के लिए एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन बना करके फंक्शन में मैंने जो है एक पैरामीटर ले लिया है एंड पास करवाया हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है? अच्छा, रिकर्जन में जो है ना हमेशा आपको एक बेस एग्जिट स्टेटमेंट देनी पड़ती है, एग्जिट कंडीशन देनी पड़ती है। अभी क्या होगा अगर लेट से मैं कहूं कि एक मैंने मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है कि जो भी आपका पैरामीटर है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, लेट्स से मैंने इसमें पैरामीटर पास किया 7, अब यहाँ पर मुझे 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। उसके बाद मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। मीन्स ये कि n माइनस 1 से हर दफा ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। मैंने क्या किया है यहाँ पर, बजाय 6 लिखने के फिर अगली दफा 5 लिखने के, मैंने इसी फंक्शन में इस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लिया। अब यहाँ पर होगा क्या, ये किस तरीके से वर्क करता है, लेट्स से मैंने यहाँ पर ये फंक्शन कॉल किया है फैक्टोरियल का, ठीक है। यहाँ पर मैं सिमुलेशन इसकी बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने कहा है प्रिंट फैक्टोरियल 7, 7 का फैक्टोरियल प्रिंट करें। यहाँ पर आएगा पैरामीटर में n में क्या है, 7, 7 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, अब यहाँ पर मैंने इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया है तो यहाँ पर क्या पास होगा, 6। अब ये यहाँ पर आएगा, ये स्टेटमेंट अभी यहाँ पर हॉल्ट हो गई है, ये यहाँ पर आएगा एन के लिए क्या हो गई है, 6। अब यहाँ पर इसमें क्या कहते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। अब वो फैक्टोरियल में क्या पास करवाएगा, n माइनस 1। अब n की वैल्यू क्या थी, 6, 6 माइनस 1 5। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक रिकर्सिव कॉल लगाई है, बार बार इसी फंक्शन में से इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर 6 पर हॉल्ट हो गया, यहाँ पर 5 पास करवाया है, अब ये यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, 5। ये n हो गया 5, 5 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 4। इसी तरीके से ये बार बार कॉल करता रहेगा अंटिल, जब तक अगर मैं इसे कोई अपनी एग्जिट स्टेटमेंट ना दूं तो ये लूप जो है आपका इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, ये लूप कभी एंड नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में वैल्यूज जाती रहेंगी और मल्टीप्लाई होता रहेगा। हर रिकर्सिव कॉल में आपको एक एग्जिट स्टेटमेंट देना लाजमी होती है, ठीक है। इसमें मेरी एग्जिट स्टेटमेंट क्या होगी कि अगर जो है वो n इक्वल्स टू 1 है तो वो रिटर्न करता है क्योंकि 1 के बाद हम लास्ट कर देते हैं। तो मैंने इफ n इक्वल्स टू 1 है क्या कर दे, रिटर्न कर दे n फॉर नाउ। वरना जो है वो इसी फंक्शन को कॉल करता रहे।
अगर मैं ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं दूंगी तो मेरा लूप इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा और ये कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए हर रिकर्सिव कॉल में आप एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला कुछ समझ ना आ रहा हो? एक बेसिक सा मींस में एरर है कोड में, एरर है मींस रिटर्न को इंडेंटेशन दे दें और कॉलन हटा दें वन के आगे से। सॉरी 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 मैंने, ठीक है और वन के आगे कॉलन भी है वो भी हटा दें। ठीक है इसमें जो है मुझे 7 का फैक्टोरियल प्रिंट कर दिया है। इसकी सिमुलेशन में इसको समझने में किसी को मसला समझ आ रहा है? रिकर्सिव कॉल्स किस तरीके से लगाते हैं और रिकर्जन होती क्या है? फंक्शन को फंक्शन से कॉल करना है रिकर्जन। ठीक है जी, इसमें सेम फंक्शन को ही कॉल करना यानी रिकर्जन में जरूरी है कोई और? सेम फंक्शन को ही कॉल करने को रिकर्जन कहते हैं। कोई और फंक्शन अगर आप कॉल करेंगे तो इसका मतलब है कि आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को सिंपली एक्सेस कर रहे हैं। सही, ये लूप लगेगा ही तब जब आप फंक्शन से सेम फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा ये हमने रिकर्जन देखी क्यों है? क्योंकि आज जो हम एल्गोरिथम करने वाले हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्विक सॉर्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्विक सॉर्ट जो में क्विक सॉर्ट में रिकर्जन यूज होती है। क्विक सॉर्ट होता क्या है और उसका एल्गोरिथम क्या है वो देख लेना। अच्छा ये जो है मेरे पास एक एरे है जैसे मुझे सॉर्ट करना है क्विक सॉर्ट के थ्रू। इससे पहले जो है हम इंसर्शन सॉर्ट पढ़ चुके हैं, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ चुके हैं और कौन सा सॉर्ट पढ़ा है हमने? बबल सॉर्ट, बाइनरी। लेकिन मिस आपने इंसर्शन सॉर्ट अभी नहीं पढ़ाया थी? इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा था नो मिस, अब सेशन बी को आपने शायद नहीं पढ़ाया। पढ़ाया है, दोनों को पढ़ाया है, इक्वल क्लासेस ली हैं दोनों की, सेक्शन ए और सेक्शन बी की। अच्छा ये मेरे पास से कह रहे हैं ठीक है ऐसा मुझे क्विक सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करना है। अरे इस तरह है मुझे इसे सॉर्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 करना है। ठीक है, क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम क्या होता है? इसमें जो है हम एक अपना पिवट एलिमेंट ढूंढता है। मेरा ये एरे है, इसमें से मुझे एक एलिमेंट, लेट से एक एलिमेंट को मैं अपना रेफरेंस बना लूंगी। उस रेफरेंस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? पिवट कहते हैं। लेट से इसकी लॉजिक कुछ भी हो सकती है, आप एंड एलिमेंट ले लो, फर्स्ट एलिमेंट ले लो। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि लेट से कि हर दफा जो मेरा अनसॉर्टेड एरे है उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको मैं अपना पिवट एलिमेंट कहूंगी। ठीक है, और पिवट एलिमेंट जो मेरा है ये वाला लेट से, उससे जितनी भी स्मॉलर वैल्यूज हैं, लेसर वैल्यूज हैं, वो सारी इसके लेफ्ट हैंड साइड पर हूँ और जितनी ग्रेटर वैल्यू हैं वो सारी राइट हैंड साइड पर हूँ। लेट से मैंने कहा कि मेरे पिवट की लॉजिक क्या है कि जो लास्ट एलिमेंट होगा हमेशा लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो मेरा पिवट एलिमेंट है। ठीक है, इस पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 4 हो सकता है, यहाँ पर 8 हो, यहाँ पर 5 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अनसॉर्टेड एरे का जो लास्ट एलिमेंट है मैंने उसको अपना पिवट बना लिया, उसको अपना रेफरेंस बना लिया जिसके थ्रू मैं पार्टीशन करूंगी। और पार्टीशन किस तरीके से करूंगी कि पिवट एलिमेंट से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड पर हो जाएं और जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं वो राइट साइड पर हो जाएं। यहाँ पर जैसे मैंने अपना पिवट एलिमेंट जो है वो मेरा 4 हो रहा है। ठीक है, बताती हूँ मैं फिर से, अभी कुछ भी नहीं बताया मैंने, अभी सिर्फ ये बताया कि मेरे पास एक अनसॉर्टेड एरे है उसे मुझे सॉर्ट करना है। ठीक है, अब इसमें एल्गोरिथम को एक सॉर्ट में क्या होता है, हम इसमें अपना एक रेफरेंस एलिमेंट चूज करना है। एक एलिमेंट में अपने उस अनसॉर्टेड एरे में से कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लूंगी जिसको मैं अपना पिवट एलिमेंट कहूंगी। पिवट एलिमेंट चूज करने का मकसद क्या है कि उससे जितनी भी स्मॉलर वैल्यूज हैं, जो भी उससे छोटी वैल्यूज हैं, वो सारी उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएं और जो भी ग्रेटर वैल्यूज हैं वो सारी राइट हैंड साइड पर आ जाएं। अब मैंने यहाँ पर पिवट के लिए अपनी लॉजिक लेट से रखी है कि जो भी लास्ट एलिमेंट होगा ना उसको मैं कहूंगी वो मेरा पिवट एलिमेंट है। यहाँ पर लास्ट इंडेक्स पे इसके क्या था? 4 था। 4 जो है वो मेरा पिवट एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब 4 से इसमें जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं जैसे 1 है, 2 है, अब मैं क्या करूंगी इस पिवट एलिमेंट से सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करूंगी और जो भी छोटी वैल्यूज हैं उन्हें क्या कहूंगी कि वो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए और जो भी बड़ी वैल्यूज हैं वो राइट हैंड साइड पर आ जाए। ये जो पार्टीशन मैं कर रही हूँ ये क्या कहलाएगी? मेरी पार्टीशनिंग कर रही हूँ मैं पिवट एलिमेंट के थ्रू। मेरा रेफरेंस क्या है? पिवट एलिमेंट है, उससे मैंने सारी वैल्यूज को कंपेयर किया
और लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए सारी स्मॉलर वैल्यूज और राइट हैंड साइड पर आ जाए सारी ग्रेटर वैल्यूज. ठीक है, अभी सिर्फ हम एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं, ये करेंगे कैसे वो हम देखेंगे यहाँ पर. अच्छा, मेरा फोर था तो फोर से इसमें लेसर वैल्यूज कौन सी हैं, टू है, वन है और थ्री है. ये जो सीक्वेंस यहाँ पर थी वही सीक्वेंस यहाँ पर आ गई. और इससे ग्रेटर वैल्यूज कौन सी हैं, एट है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, ग्रेटर वैल्यूज यहाँ पर आ गई. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टिशनिंग हो गई आपसे, वो पार्टिशनिंग कर ली हमने. पार्टिशनिंग करने के बाद हमारी लॉजिक ये है कि अब जैसे कि हमने किसी और उसमें भी किया था, अब मेरे पास मेरा एरे जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अब मुझे इस पार्ट को सॉर्ट करना है और इस पार्ट को सॉर्ट करना है. ठीक है, जो लॉजिक मैं इस पार्ट पर लगाऊंगी वही सेम लॉजिक मेरी इस पार्ट पर भी लगेगी. अब मुझे क्या करना है, इसमें से मैं अपना पिवट एलिमेंट ढूंढ लूं. ये मेरा एरे जो है वो इसमें डिवाइड हो गया. अब लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे एरे में क्या है, टू वन थ्री, और राइट हैंड साइड पे क्या है, एट फाइव सेवन सिक्स. जो लॉजिक मैंने ऊपर लगाई है सेम लॉजिक मैं नीचे लगाऊंगी. अब मुझे इसमें अपना पिवट एलिमेंट ढूंढना है. मैंने क्या कहा, मेरा पिवट एलिमेंट कौन सा होगा, जो लास्ट एलिमेंट है. तो इसमें पिवट एलिमेंट मेरा क्या हो गया, थ्री हो गया. ठीक है, अब थ्री से जो भी लेसर वैल्यूज है वो लेफ्ट हैंड साइड पे और जो ग्रेटर वैल्यूज है वो राइट हैंड साइड पे. मीन्स ये कि जो लॉजिक यहाँ लगाई है वही लॉजिक अब इस पर लगेगी. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पर जो सारी वैल्यूज हैं, सॉरी सारी वैल्यूज जो है वो थ्री से लेसर ही हैं. तो मीन्स ये कि पार्टिशनिंग राइट हैंड साइड पर कुछ भी नहीं आएगा. यहाँ पर अब आपका क्या आ जाएगा, टू और वन. समझ आ रही है बात, राइट हैंड साइड का यहाँ पर कोई एरे नहीं बन रहा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का बन रहा है. लेफ्ट हैंड साइड के एरे पर आ गया आपका टू और वन. सेम यही चीज मैं रिपीट करूंगी किस पे, अपने टू और वन पे. इसमें मेरा पिवट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, टू, और टू से जो भी लेसर वैल्यूज हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए और जो ग्रेटर वैल्यूज हैं वो राइट हैंड साइड पर आ जाए. मीन्स ये कि लॉजिक मेरी सेम है, सबसे पहले जो है वो मैंने अपने एरे को डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद लेसर वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे और ग्रेटर वैल्यूज जो है वो राइट हैंड साइड पर. फिर जब एरे आपका डिवाइड हो गया तो इस वाली साइड पर भी यही लॉजिक अप्लाई होगी और इस वाली साइड पर भी यही लॉजिक अप्लाई होगी. तो ये रिकर्सिव कॉल हो रही है, किसी को समझ आ रहा है या अभी कोई इशू है? मैम एक दफा क्विक रिकैप दे दीजिए इसका. अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, बता रही हूँ मैं. यहाँ पर जो है हमारी लॉजिक रिपीट हो रही है. सबसे पहले जो है हमने अपना पिवट एलिमेंट सिलेक्ट किया, पिवट एलिमेंट से जितने भी लेसर वैल्यूज हैं लेफ्ट हैंड साइड पर उसे पार्टीशन कर दिया और जो ग्रेटर वैल्यूज हैं वो राइट हैंड साइड पर पार्टीशन कर दिया. ठीक है, उसके बाद अब इस वाले के लिए मैं सेम लॉजिक जो मैंने पूरे एरे के लिए यूज की थी, अब वही लॉजिक जो है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए भी यूज करूंगी और राइट हैंड साइड वाले के लिए भी यूज करूंगी. पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले पर आई, लेफ्ट हैंड साइड वाले पर फिर से मुझे क्या करना है, पिवट एलिमेंट ढूंढना है, उससे पार्टिशनिंग करनी है. पिवट एलिमेंट मेरा लास्ट वाला था, उससे जो लेसर वैल्यूज है वो लेफ्ट हैंड साइड पर और अगर ग्रेटर वैल्यू होती तो वो राइट हैंड साइड पर होती. यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर कोई एरे नहीं बन रहा. ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेम एरे है उसी में सिर्फ शफलिंग कर रहे हैं. हम अलग से कोई और एरे नहीं बना रहे, सिर्फ हम उनमें स्वैपिंग कर रहे हैं, इंडेक्सेस चेंज कर रहे हैं. यहाँ पर आई मैं, अब इसमें अच्छा इस साइड पर इसके कोई ग्रेटर वैल्यू नहीं थी तो इस साइड पर कोई एरे नहीं बना. लेफ्ट हैंड साइड पर आई, अब मेरे इस वाले एरे पर आ गई मैं. इस वाले एरे में मेरा पिवट एलिमेंट क्या है, टू, टू और वन डिवाइड हुआ आपका और ये यहाँ पर आपके जो लेसर वैल्यू थी टू से वो यहाँ पर आ गई, अगर ग्रेटर वैल्यू होती तो वो यहाँ पर आ जाती. अब जो है वो मेरा इसमें पिवट एलिमेंट जो है वो टू है. अब जब एरे में आपके एक एलिमेंट रह जाए सिर्फ तो इसका मतलब है कि एरे सॉर्टेड है, राइट, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है. तो ये जो कॉल है, ये जो आपका सेगमेंट बन रहा है, एक ही लॉजिक है जो बार बार रिपीट हो रही है. इसको मैं रिकर्जन के थ्रू कर सकती हूँ? यस मिस. एक फंक्शन बनाऊंगी उसी को बार बार, वही पार्टिशनिंग है, वही पिवट है, वही पार्टिशनिंग है और उसे मैंने बार बार कॉल किया. अब यही चीज जो है वो राइट हैंड साइड के लिए भी होगी. यहाँ पर एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है, मैंने एक लेट्स से एक फंक्शन बनाया क्विक सॉर्ट का. ठीक है, ये क्या चीजें ले रहा है, ये एरे ले रहा है आपका, स्टार्ट इंडेक्स ले रहा है और एंड इंडेक्स ले रहा है. इसके अंदर हो क्या रहा है, सबसे पहले अच्छा जो इस सॉर्टिंग की का जो सोल है, जो इसमें मेन चीज है वो क्या है, आपके पार्टिशनिंग का फंक्शन है. पार्टिशनिंग के फंक्शन पे हम बाद में आएंगे, उसमें हम करके आ रहे हैं कैसे करेंगे.
अभी जो चीजें हमने देखी, सबसे पहले आप फंक्शन कॉल अपना क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे किसी भी एरे पे, क्या देंगे, एरे देंगे, उसको स्टार्ट इंडेक्स देंगे जीरो जो होता है हमेशा, और उसको लेंथ दे देंगे उसकी माइनस वन, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो एट है, माइनस वन क्या हो जाएगी सेवन, आपने स्टार्ट इंडेक्स दे दिया और एंड इंडेक्स दे दिया। अब इसमें क्या होगा, आपने जो है सबसे पहले पार्टीशन करना है, और पार्टीशन जो है वो आपका क्या रिटर्न करवा रहा होगा, जो आपके पिवट एलिमेंट का इंडेक्स है, जिस पिवट एलिमेंट के थ्रू आप पार्टीशनिंग कर रहे हैं, मींस ये कि पिवट एलिमेंट आपका जो है वो मिड एलिमेंट है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे सारे स्मॉल होंगे और राइट हैंड साइड पे सारे ग्रेटर होंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा पार्टीशनिंग मैंने कर ली, सबसे पहले इसके लिए पार्टीशनिंग कर ली, अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्विक सॉर्ट कॉल करना है और राइट हैंड साइड के लिए करना है। इसमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ख्याल हमें किस चीज का रखना है, इसके इंडेक्सिंग का ख्याल रखना है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने क्विक सॉर्ट कॉल किया है, और इसमें अब जो मेरे पास इंडेक्सेस हो गए हैं, एक मेरा एरे ये बन गया है, एक एरे ये बन गया है, इस वाले की जो इंडेक्सेस है वो क्या है, वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, पिवट माइनस वन, और इस वाली साइड के लिए ये स्टार्ट और पिवट प्लस वन और एंड तक जा रहा है। ये करने की वजह क्या है, ये वाला अच्छा यहाँ आप आएंगे अपने क्विक सॉर्ट पे, लेट से मैंने क्विक सॉर्ट का फंक्शन कॉल किया है, अब सबसे पहले जो है उसने पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन करके पिवट जो मेरा पिवट एलिमेंट है उसका इंडेक्स मुझे पास करवा दिया। अब मेरा एरे जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, एक जिस साइड पर स्मॉलर वैल्यूज है और दूसरी जिस साइड पर ग्रेटर वैल्यूज है। अब मैं कॉल कर रही हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर जो एरे पास करवा रही हूँ वो कौन सा एरे पास करवा रही हूँ, ये सेम एरे है लेकिन इंडेक्स क्या है, जीरो, और यहाँ इंडेक्स है पिवट एलिमेंट का इंडेक्स माइनस वन, मीन्स ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री को मैंने क्या किया, दोबारा क्विक सॉर्ट कॉल किया है। अब क्या होगा, ये स्टेटमेंट यहीं पर हॉल्ट हो जाएगी, ये कॉल नहीं होगा, ये स्टेटमेंट यहीं पर हॉल्ट हो जाएगी और ये दोबारा से क्विक सॉर्ट कॉल हो जाएगा। अब इसमें स्टार्ट इंडेक्स क्या है, जीरो, और एंड इंडेक्स क्या है आपका टू, ये बात समझ आ रही है, किसी को कोई मसला है, मिस रिपीट करें दोबारा? नो, यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले मैंने पूरा एरे पास करवाया है, सबसे पहले तो मैं अच्छा इंडेक्सेस से हम खेल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि शफलिंग जो रही है वो आपके इंडेक्सेस में हो रही है, ठीक है। क्विक सॉर्ट में सबसे पहले जो है मैंने एरे पास करवाया है, एरे में अच्छा इंडेक्स क्या दिया है, सबसे पहले तो जो आप पहली दफा कॉल करवाओगे स्टार्ट इंडेक्स आपका जीरो होगा और एंड इंडेक्स क्या होगा, जो भी आपके एरे की लेंथ है माइनस वन, क्योंकि मुझे पूरे एरे पर चाहिए। अब मैं यहाँ पर आऊंगी, मेरा पूरा एरे जो है सबसे पहले इसने पार्टीशन कर दिया है, पार्टीशन कैसे किया, पिवट एलिमेंट के थ्रू पार्टीशन किया है। यहाँ पर पार्टीशन करने के बाद ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, पिवट एलिमेंट का इंडेक्स, एक तरीके से आपका जो एरे है वो डिवाइड हो गया दो हिस्सों में, एक तरफ आपके स्मॉलर वैल्यूज पड़ी है, दूसरी तरफ आपके ग्रेटर वैल्यूज पड़ी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, क्विक सॉर्ट मैंने उस फर्स्ट हाफ के लिए क्विक सॉर्ट दोबारा कॉल किया है, ताकि ये एलिमेंट अब जो मेरा ये वाला फर्स्ट हाफ है ये सॉर्ट हो जाए। इसमें लॉजिक क्या है, पहले पार्टीशन किया फर्स्ट हाफ को, फिर पार्टीशन किया, फिर करते करते तब तक हम इसमें पार्टीशन करते रहेंगे जब तक एरे में एक एलिमेंट ना रह जाए। अब जब एक एलिमेंट आपका रह गया इसका मतलब है ये सॉर्टेड है, और उसके बाद उसको रिवर्स में कॉल करेंगे दोबारा। बात समझ आ रही है, पहले हाफ में डिवाइड किया, फिर उसको मजीद हाफ में डिवाइड किया, फिर उसको मजीद हाफ में, जब तक एरे में एक एलिमेंट ना रह जाए। जब एक एलिमेंट रह जाएगा तो आपने रिकर्जन जो है वो स्टॉप कर दी है, कर देनी है। यहाँ पर अभी मैंने कोई इसको एग्जिट कंडीशन नहीं दी हुई, ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, एग्जिट कंडीशन हमें देनी पड़ेगी। कोई कुछ कह रहा था, इसमें एक सवाल है मिस, आपने जैसे भी बताया कि मिस जी लेफ्ट साइड से एंड होगा या राइट साइड से एंड होगा, मिस दोनों साइड से एंड होगा। हमें एक ऐसी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जो लेट से मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर आई हूँ, अच्छा अभी तो मुझे यहाँ पर कॉल करते हैं, स्टार्ट इंडेक्स जो है फर्स्ट आइटरेशन में आपका स्टार्ट इंडेक्स जीरो था, एंड इंडेक्स आपका सेवन था, ठीक है। मैं यहाँ पर आई, पार्टीशन हो गई, अब मैंने क्विक सॉर्ट कॉल किया, अब यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स क्या है जीरो और एंड इंडेक्स क्या है
पिवट माइनस वन, पिवट आपका थ्री है, एंड इंडेक्स हो गया आपका टू। मिस जी, मिस पिवट का इंडेक्स कैसे पता चलेगा? वो पार्टीशन का जो फंक्शन, ये बेसिकली ये जो पार्टीशन हम करेंगे ये फंक्शन बनेगा, ठीक है, और पिवट का इंडेक्स वो रिटर्न कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि पार्टीशन के फंक्शन में हो क्या रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। मिस, ये पार्टीशन जो करना है इसको भी रिकर्जन से ही करना होगा या इसको मतलब लूप से कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन रिकर्जन से करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसकी सिमुलेशन देखते हैं अभी हम कि ये चल कैसे रहा होगा। अच्छा, मैं ये एक दफा, सबसे पहले आप, ये मैं बता चुकी हूँ 10 दफा, यहाँ पर आपने सबसे पहले कॉल किया, यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू 0 है, एंड की वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जिट स्टेटमेंट ये दी है कि आपका स्टार्ट जो है वो हमेशा लेस देन एंड हो तो ये लूप चले, वरना ना चले। स्टार्ट की वैल्यू 0 है, एंड की वैल्यू क्या है 7, कंडीशन ट्रू है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसने क्या किया, पार्टीशन कर दिया इनको दो हाफ में। अब यहाँ पर जो मैं पास करवा रही हूँ क्विक सॉर्ट में, क्या पास करवा रही हूँ, स्टार्ट क्या है, पहले जो है मैं फर्स्ट हाफ को सॉर्ट कर रही हूँ, उसके बाद सेकंड हाफ, सेकंड हाफ के लिए मैंने ये वाला लूप लगाया हुआ है। सेकंड हाफ में आप क्यों, क्योंकि सेकंड हाफ के लिए आपका जो पिवट इंडेक्स है वो आप राइट साइड पर कर रहे हो। अब ये लेफ्ट साइड के लिए है, ये राइट साइड के लिए, जब लेफ्ट साइड वाला सॉर्ट हो जाएगा फिर राइट साइड वाला सॉर्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले आप जब ये कॉल करोगे, ये आपका दो हाफ में डिवाइड हुआ, अब जो है वो आपका यहाँ पर आ गया। आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले एरे को, उसमें से आपका पिवट, लास्ट एलिमेंट आपका पिवट सेलेक्ट हुआ, ठीक है, उससे जो स्मॉलर वैल्यूज थी वो यहाँ पर आ गई उसके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आपके क्विक सॉर्ट में क्या गया, इंडेक्स 0 गया और जो एंड इंडेक्स है वो 2 गया, पिवट माइनस वन, पी इंडेक्स माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोबारा कॉल हुआ क्विक सॉर्ट आपका, अब वैल्यू क्या गई, स्टार्ट इंडेक्स 0 और एंड इंडेक्स, पी इंडेक्स, क्योंकि आपका पी इंडेक्स इसका 2 था तो 2 माइनस वन 1 हो गया। मेरे ख्याल से मैं पहले पार्टीशन का फंक्शन समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाए कि पिवट एलिमेंट तरीके से रहा है और पार्टीशनिंग हो किस तरीके से रही है। नहीं, जो आपने इस स्टेटमेंट लगाया है इसमें स्टार्ट इज लेस देन एंड, तो इसकी क्या वजह है लगाने की, ये क्यों लगाया, मतलब ये इसलिए लगाया है ताकि यहाँ पर जब मैं पहुंचूं, ठीक है, यहाँ पर जब मैं पहुंच, यहाँ पर मजीद एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो कोई इनवैलिड इंडेक्स ना बने। इनवैलिड इंडेक्स अगर होगा तो आपका ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी और ये दोबारा कॉल हो जाएगा, कोई इनवैलिड इंडेक्स ना बने और इसे एग्जिट कंडीशन भी मिल जाए। हमेशा जो है वो आपके स्टार्ट की वैल्यू जो है वो लेस देन एंड होगी, एंड की वैल्यू ग्रेटर होगी, तभी आप सॉर्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बन रहा होगा आपके पास यहाँ पर कि स्टार्ट की वैल्यू ज्यादा हो रही है और एंड की वैल्यू कम हो रही है, तो वो खुद से इसे कॉल ही नहीं करेगा और एग्जिट हो जाएगा। सही। अच्छा, इनके फंक्शन में आपके हो क्या रहे, सबसे पहले मैंने लेट से कहा कि जो मेरा पिवट एलिमेंट है वो एरे का जो भी लास्ट एलिमेंट है वो पिवट एलिमेंट है, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता उसका इंडेक्स क्या है, मुझे अपने पिवट एलिमेंट का, क्योंकि मुझे अपने पिवट एलिमेंट को मिड में करना है और उससे जो स्मॉलर वैल्यूज है वो लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करनी है और जो ग्रेटर वैल्यूज है वो राइट हैंड साइड पे पुट करनी है। तो इसकी लॉजिक क्या होगी, अपना जो मैंने पिवट इंडेक्स है उसे 0 इनिशियलाइज करवा लिया है बिल्कुल शुरू में, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लूप लगाया है क्योंकि मुझे अपने एलिमेंट को, लेट्स से कि ये 4 जो है वो यहाँ पर था, इनिशियली तो यहीं पर था ना 4, मेरा लास्ट एलिमेंट जो है वो 4 था, मैंने उसको पिवट सेलेक्ट कर लिया। अब पी इंडेक्स जो है वो मैंने 0 इनिशियलाइज करवाया, पी इंडेक्स आपका पहले यहाँ पर होगा 0 पर। अब मुझे अपने इस 4 को कंपेयर करवाना है किससे, 1 by 1 सारे एलिमेंट से, इसलिए मैंने ये लूप लगाया है। लूप कहाँ तक लगाया है, आपके 0 से लेकर एंड माइनस वन मीन्स 7 तक लगा है, जो भी आपके एरे की लेंथ होगी माइनस वन, ताकि आपका जो पिवट एलिमेंट है वो ई चीज से कंपेयर हो। अगर मैं 2 से कंपेयर करूंगी इसकी वैल्यू स्मॉलर होगी तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, और अगर ग्रेटर होगी तो वो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। ये किया कैसे, स्वैपिंग के थ्रू किया। आपका पिवट एलिमेंट 4 अभी यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला लूप मैंने चलाया। इसमें इफ ए इक्वल्स ए ऑफ आई लेस देन इक्वल टू पिवट हो तो स्वैप हो जाए। 4 आपका यहाँ पर था, a ऑफ i क्या है, पहले
लेस देन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू हो गई. सो आप किससे कर दे ए ऑफ आई को पी इंडेक्स से. पी इंडेक्स ये रहा, ए ऑफ आई आपका यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर आपका एक मिनट ए ऑफ आई, ए ऑफ आई पे आपके टू नहीं था शुरू में, सेवन था इसलिए स्वैपिंग हुई है. आपका जो एरे है वो इनिशियली आपका एरे, एक सेकेंड, इनिशियली आपका एरे ये है, यहाँ पर बोर्ड नहीं है. मैं अच्छा सबसे पहले यहाँ पर सेवन था, यहाँ पर टू था, यहाँ पर वन था. ठीक है, सबसे पहले आपका ये लूप चलेगा. यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी, सेवन थी. इसने कंपेयर किससे किया, पिवट से. पिवट क्या था मेरा, फोर था. अगर लेस है इसकी वैल्यू, ए ऑफ आई अगर लेस देन पिवट है तो स्वैप करे वरना ना करे. सेवन अगर यहाँ पर होगा जी, अगर जिस प्राइवेट को जिस वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं अगर वो भी सेम हुई, लेट्स सपोज 4 और 4 हो गया, फिर क्या करेंगे? तो वो आप उसको स्वैप नहीं करेंगे, वो अपनी जगह पर रहेगा. ठीक है भाई, अगर हम आप कंडीशन में लेस देन इक्वल टू है, अगर लेसर हो तो स्वैप करें वरना, वैसे इक्वल हो तो भी एक ही बात है. अगर इक्वल होगी तो फिर ये होगा कि लेट्स से अगर यहां पर एक और 4 होता तो वो इसके यहां पर आ जाता. ठीक है, सॉरी, शुक्रिया. ठीक है, कोई कुछ कह रहा है? यस, मैं स्टूडेंट्स वेट कर रहा हूँ. वेट कर रहे हैं? ओके सॉरी. माइनस में समझ आ रहा है? कौन है ये गूगल अकाउंट? समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा तो मैं जब पूछ रही हूँ समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताएं तो सही. समझ नहीं आ रहा, मैं चैट नहीं देख रही. अगर कहीं पर किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दें, समझ कहां पर नहीं आ रहा, मैं कन्वे नहीं कर पा रही मसला क्या है. एल्गोरिथम समझ आया? इसका एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम आपका ये है कि पूरे को एक शॉर्ट में आपने जो है अपने एलिमेंट को, अपने एरे को जो है वो हाफ्स में कन्वर्ट करते रहना है तब तक जब तक एरे में एक एलिमेंट ना रह जाए. जब एक एलिमेंट रह जाएगा एरे में तो इसका मतलब है एरे आपका शॉर्ट हो गया. ठीक है, और हम उनको पार्टीशन करके इस तरीके से हाफ्स में डिवाइड किस तरीके से करें कि जितनी भी लेसर वैल्यूज हैं वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही हैं और जितनी ग्रेटर वैल्यूज हैं वो राइट हैंड साइड पर आ रही हैं. सेम लॉजिक रिपीट हो रही है पहले वाले, सेम लॉजिक रिपीट हो रही है. हाफ में डिवाइड कर रहे हैं फिर सॉर्ट कर रहे हैं, हाफ में डिवाइड कर रहे हैं. मीन्स ये कि पिवट एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, लेसर वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे, ग्रेटर वैल्यूज राइट हैंड साइड पे, इसलिए हम यहाँ पर रिकर्सिव लूप लगा रहे हैं. रिकर्जन समझ आ रहा है? किसी को रिकर्जन में कोई मसला है? नहीं मिस. अब यहां पर इसकी सिमुलेशन नहीं समझ आ रही कि सॉर्ट हो किस तरीके से रहा है. मुझे बात समझ में आ रही है. क्या बात समझ में आ रही? ये बात समझ में आ रही है कि मिस के 4 के लेफ्ट वाले इस तरह उल्टे हाथ की तरफ आएंगे, जो छोटे हैं 4 से, जो बड़े हैं राइट तरफ आएंगे. मैम ये आखिर में ये बीच में 2-1-3 आ गया, मिस ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि शुरू में तो 3-2-1 था, बीच नीचे आने के बाद 2-1-3 कैसे हो गया? 2-1-3 कैसे हो गया मिस? यहां जो स्वैपिंग हो रही है इसमें रिकर्जन लगेगा. ये जो आपका है यहां तो ये सॉर्टेड, बेसिकली जो आपका एरे है वो ये नहीं है. एरे जो आपका है अनसॉर्टेड, ये तो सॉर्टेड एरे यहाँ पर दिखाया हुआ है. अनसॉर्टेड एरे आपका बेसिकली ये है. यहाँ पर बोर्ड नहीं है. मैं एक्सक्यूज मी जी मैम, एक छोटा एरे लेके पहले उनको सॉर्ट करके दिखाएं, इसके बाद ये इस एरे को कर लेंगे. ये एरे बड़ा है और हमें समझ नहीं आ रहा, छोटा एरे करके दिखाएं. अच्छा एक मिनट मैम, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मेरे पास हो नहीं पाती. मैंने पहले भी आप लोगों से कहा अगर कोई अपने एंड पे कर सकता है रिकॉर्ड तो कर ले, मेरे पास ऑप्शन नहीं आता.
यहाँ पर कहीं पर आना चाहिए, मेरे पास आता नहीं है ये ऑप्शन, पता नहीं क्यों। तो अगर कोई करना चाहे तो वो कर ले रिकॉर्ड, यहाँ से नहीं हो रहा। जिस गूगल मीट में इसमें व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, शेयर नहीं, मेरे पास पेन नहीं है तो मैं लिख नहीं सकूंगी उस पे, माउस से कैसे लिखूंगी। अच्छा मैं इसका एक्चुअली इसका कोड मुझे आप लोगों को एज असाइनमेंट देना था, सिर्फ एल्गोरिथम समझाना था कि हो किस तरीके से ट्राई करना आप लोगों ने। ये स्लाइड्स आप शेयर करेंगी? ये स्लाइड मैं शेयर करूंगी। थैंक यू। मेरी अटेंडेंस लगा हुआ रोल नंबर 40। अच्छा इस वाले में कुछ समझ आ रहा है? इसमें आपके पास एक कंसोलिडेट एरे, पहले 10 है, 80 है, 30 है, 90 है, 40 है, 50 है, ठीक है। पिवट एलिमेंट सेलेक्ट किया, पिवट एलिमेंट क्या होगा मेरा लास्ट एलिमेंट 70। अब 70 से मुझे इसे डिवाइड करना है, 70 मेरा रेफरेंस है, डिवाइड करना है मुझे जिससे स्मॉलर वैल्यूज है वो इस साइड, ग्रेटर जो है वो इस साइड। 70 से लेसर वैल्यूज कौन सी हैं? 10, 30 और 40,
10, 30, 40, 50, राइट। पहले 10, 30, 40, 50 ऑर्डर वही है जो आपका ऑर्डर डायरेक्ट का ऑर्डर है, ठीक है। और इससे ग्रेटर वैल्यूज कौन सी हैं? 90 और 80। तो ये 90 और 80 आपके इस साइड पर आ गया। अब इसमें क्या, इसमें पिवट कौन सा हो गया आपका? लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट क्या था? 50। अब इससे जो लेसर वैल्यूज हैं वो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे और जो ग्रेटर है वो राइट हैंड साइड पे। इससे लेसर वैल्यूज कौन सी थी? 10 और 30, तो वो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर आ गई। और ग्रेटर वैल्यू कोई सी भी नहीं थी तो ये एम्प्टी एरे आ गया। इसका मतलब यहाँ पर एरे नहीं बनेगा आपका, ठीक है। मतलब समझ में आ गया, ठीक है। फिर भी देख लें आपके, अब एरे आपका ये वाला बना, इसके राइट हैंड साइड पे कोई एरे नहीं बना। इसमें पिवट एलिमेंट आपका कौन सा हो गया? लास्ट एलिमेंट। 40, 40 से जो ग्रेटर है वो इस साइड पर, जो लेसर है वो इस साइड पर। ग्रेटर कोई सा भी नहीं था तो आपका राइट हैंड साइड वाला एरे यहाँ पर भी एम्प्टी हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे एरे में क्या रह जाएगा? 10 और 30। अब क्या किया आपने? फिर पिवट एलिमेंट आपका कौन सा हो गया? 30। सेम लॉजिक जो है वो रिपीट हो रही है थ्रू आउट योर प्रोग्राम। इसमें क्या हुआ, आपने क्या कहना है, अब आपके जो लेफ्ट हैंड साइड का एरे वो क्या रह गया? 10 और 30। इसको आपने पिवट एलिमेंट हो गया आपका लास्ट एलिमेंट, इसको डिवाइड किया, इससे जो लेसर वैल्यू थी वो 10 और ग्रेटर वैल्यू कोई से भी नहीं थी, तो ये वाला एरे आपका एम्प्टी हो गया। अब ये जब यहाँ पर आता है आपका एरे सॉर्टेड है। अब ये कंडीशन चेक करेगा दोबारा से, स्टार्ट जो है अगर लेस देन एंड हो तो आपका एरे मजीद इसे डिवाइड करेगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इसको एग्जिट कर दे। और अब जो इसने प्रोग्राम हॉल्ट, जब यहाँ पर आता है ये यहाँ पर से प्रोग्राम हॉल्ट करते हुए आ रहा है, अब ये दोबारा रिवर्स में चलेगा। अब ये यहाँ पर आकर जो है इसकी कंडीशन चेक करेगा, फिर यहाँ पर ये 10 था आपका, ये 10, 30, 10, 30, 40, 50, ये वाला एरे आपका सॉर्ट हो गया। सेम इसी तरीके से राइट हैंड पर आपका एरे जो पार्टिशनिंग का एल्गोरिथम है आपका मेन जो इसमें काम हो रहा है, जो आपका क्विक सॉर्ट होगा उसमें तो सिर्फ दो रिकर्सिव कॉल्स लग रही है, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक राइट हैंड साइड के लिए। जो मेन आपका काम हो रहा है वो आपके पार्टिशनिंग के फंक्शन में हो रहा है कि वो पार्टिशन कर किस तरीके से रहा और पिवट एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न किस तरीके से कर रहा है, उसका जो एल्गोरिथम है वो यहाँ पर मेंशन है। पार्टिशनिंग क्या होगा? सबसे पहले आपने लास्ट एलिमेंट को अपने पिवट बना लिया है, उस स्टार्टिंग इंडेक्स जो है आपने जीरो रखा है। जीरो रखने के बाद जो है वो सारे एलिमेंट्स को कंपेयर किया है। अगर से यहाँ आपके एरे की वैल्यू, यहाँ से कंपेयर करना मैंने स्टार्ट किया, अगर इसकी वैल्यू जो है वो लेसर है तो स्वैप कर दे इसकी वैल्यू को इंडेक्स से। इंडेक्स पहले आपका ये था, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर है मीन्स ये कि यहाँ पर 7 पड़ा और यहाँ पर 2 पड़ा है तो इन्हें स्वैप कर दे, 7 यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा। अगर चाहिए ऑलरेडी लेट से 1 यहाँ है और 2 यहाँ है तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है। जी मिस, ये कंपेयर पिवट से करना है या उसके नेक्स्ट एलिमेंट से? पिवट से करना है, करना पिवट से। पिवट एलिमेंट आपका यहाँ पर है लेकिन मुझे स्वैप नेक्स्ट से करना है। स्वैप जो है वो मैं इंडेक्स से करवा रही हूँ, इंडेक्स जो है मैंने जीरो इनिशियलाइज किया ना। ठीक है मिस, ठीक है। इंडेक्स यहाँ पर है, जीरो पर है पहले। अगर चाहे इसकी वैल्यू कंपेयर मैं इससे करूंगी और स्वैपिंग मैं इनमें करवाऊंगी। ठीक है, ये असल में यहाँ पर ये ऑलरेडी सॉर्टेड आ रहा है, इस वजह से एक्चुअल जो आपका एरे है वो ये है 7, 2, 1, 6, 8, 5। अब लेट्स से कि मेरा पिवट एलिमेंट जो है 4 था, ठीक है, मैंने 4 को कंपेयर करवाया किससे? 7 से। अगर चाहे 4 इज लेस देन, सॉरी, अगर ये वाला एलिमेंट जो लेस देन पिवट है तो स्वैप करे वरना ना करे। ये लेस देन नहीं था, इसने स्वैप नहीं किया, सेकंड एलिमेंट पर आ गया। पी इंडेक्स आपका यहीं पर है। अब ये इसने 4 को किससे कंपेयर किया? 2 से कंपेयर किया। ये लेस था तो क्या करे वो? स्वैप कर दे और पी इंडेक्स से। पी इंडेक्स जो है वो आपका 0 था तो 2 यहाँ पर आ गया और 7 यहाँ आ गया, और पी इंडेक्स में फिर प्लस करवा दें आप। पी इंडेक्स अब आपका यहाँ पर आ गया, ये बात समझ आई? टू कंपेयर जो है ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट से, कंपेयर जो है वो पिवट एलिमेंट से हो रहा है लेकिन स्वैप अपने नेक्स्ट एलिमेंट से हो रहा है। मिस जी, मिस वो आपने रिवर्स का बताया था, एक बार रिवर्स का बता दें, रिवर्स में चलेगा कैसे? और वो कंपेयर का बता दीजिएगा, रिवर्स में कैसे कंपेयर होगा?
मिस कंपेयरिंग तो हम कहीं से भी कर सकते हैं ना, रिवर्स में करना जरूरी है। क्या मतलब? यानी हम क्या कहते हैं, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं पिवट को कंपेयर करना। बेसिकली आप जो सॉर्टिंग करते हुए आ रहे हैं ना, वो आप इनिशियली ही करते हुए आ रहे हैं। मीन सारे एलिमेंट्स को आपने इस तरीके से सॉर्ट करवाते हुए आप रिवर्स में सॉर्टिंग नहीं कर रहे, सॉर्टिंग आपकी फॉरवर्ड में ही हो रही है। मीन्स ये कि स्वैपिंग जब आप करते हुए आ रहे हैं हाफ्स में डिवाइड करके उसे लेसर को लेफ्ट हैंड साइड पे और ग्रेटर को राइट हैंड साइड पे करते हुए आ रहे हैं, तो वो आप सॉर्ट करते हुए आ रहे हैं। सही, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसका इंडेक्स जब चेंज किया, असल में जब रिवर्स आपका लूप चलेगा तो ये कंडीशंस ट्रू ही नहीं होंगी, ये वाली स्टार्ट जो है लेस देन एंड होगा ही नहीं, तो आपके ये वाले क्विक सॉर्ट दोबारा कॉल होगा ही नहीं जब रिवर्स में चल रहा होगा। बेसिकली सारा जो इसमें ये है ये आपके इंडेक्सेस का है, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स का है। ये जब आप कोट करेंगे, इसको सिम्युलेट करेंगे तो फिर समझ आएगा। इसका कोट कर लेंगे आप लोग? मिस ट्राई कर लेंगे। मिस एक हफ्ते का टाइम दे, अगर नहीं होगा तो आप करवा दीजिए। नेक्स्ट वीक आपका क्विज है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक तो क्लास नहीं होगी, सिर्फ क्विज होगा। अच्छा, आपके क्विज में जो है ये आज की क्लास इंक्लूडेड नहीं है, क्विक सॉर्ट इंक्लूडेड नहीं है, रिकर्जन आ सकती है, ठीक है? ओके, ये आपका एल्गोरिथम ये वाली स्लाइड में गूगल फॉर्म्स में होगा। क्विज किस तरीके से, गूगल फॉर्म्स में होगा या ऐसे ही पूछेंगे या डायरेक्टली कुछ किस फॉर्म में होगा? रिटन नहीं, क्विज का जो है गूगल फॉर्म में नहीं होगा। क्विज का पेपर मैं आपसे शेयर करूंगी, आप लोगों ने जो है वो कॉपी पे सॉल्व करके उसकी पिक्चर ऐप से अपलोड करनी है। ओके मिस। और मिस आपने इंसर्शन सॉर्ट हमें नहीं कराया सेक्शन बी को? मैंने इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट करवाया, मुझे अच्छी तरह याद है। मिस सिलेक्शन सॉर्ट कराए थे सेक्शन बी को आपने, इंसर्शन सॉर्ट का मैंने आपसे बोला भी था जब क्लासेस फिजिकल हो रही थी, तो आपने कहा था वो बाद में मैं देख लूंगी। वैसे इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों मोर और लेस सेम है, तो खुद से गो थ्रू कर लिया जाएगा। वैसे मैंने करवाया जहां तक मुझे याद है। मिस आप क्विज मगरिब के बाद लेंगी या मगरिब से पहले असर में लेंगी आप क्विज? क्वेश्चन जो है वो मैं आपका मगरिब के बाद मैं टाइमिंग्स बता दूंगी। क्या फिर कोई मसला है इस बात से? नो मैम, वैसे ही पूछा था मैंने, कहा आप कहती ना कि चलें ठीक है। नो मैं बता दूंगी आपको टाइमिंग। जी प्रोजेक्ट के सबमिशन डेट क्या होगी? वो एग्जाम्स के बाद सबमिट होगा, तो अभी तो टाइम है काफी। अच्छा, आप लोग अपने ग्रुप्स बना लें, ग्रुप्स बना के मुझे ग्रुप्स के नाम फॉरवर्ड कर दें। वाइज जरूरी है क्या सीआर के थ्रू? प्रोजेक्ट एग्जाम के बाद होगा, प्रोजेक्ट सबमिशन एग्जाम। मिस यूआई जरूरी है क्या उसकी? क्या जीयूआई जरूरी है मिस उसमें बनाना? जीयूआई जरूरी है मिस, तो उसके लिए भी फिर देखना पड़ेगा टाइम। टाइम बहुत काफी टाइम नहीं है आप लोगों के पास, एग्जाम्स के बाद है ना सबमिशन। आप लोग एक्सप्लोर करें, अगर कहीं पर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। दूसरों के साथ देखना पड़ेगा, इतना बड़ा ट्यूटोरियल इसका भी। क्या मैं ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे ना मिस? हम बिल्कुल ट्यूटोरियल देखना, आप लोग यूनिवर्सिटी में आ गए, कोई स्कूल में थोड़ी है। यूनिवर्सिटी में तो सारी चीजें खुद ही एक्सप्लोर करनी पड़ती है। टीचर सकते मिस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह से का इस्तेमाल कर बना सकते हैं मिस। क्या बना सकते हैं? ऊप्स मिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मिस, ये जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बिजनेस बना ले यार, तुम जेंगो ही बना लेना। खैर वो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग किसी भी चीज पर बनाए, मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। और दूसरी बात ये कि प्रोजेक्ट में आप लोग प्रोजेक्ट दिया ही इसलिए है कि आप लोग उसमें खुद एक्सप्लोर करें और चीजें सीखें। अगर कहीं पर कोई मसला हो तो हम सेशन, ज्यादा मसला होगा अगर क्लास को तो हम एक सेशन रख लेंगे भले जीयूआई डिस्कस करने के लिए।
और दूसरी बात यह कि ये क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम मैं आपसे शेयर कर दे रही हूँ, आप लोग इसका कोड करने की कोशिश करें, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। अगर नहीं हो कोड क्विक सॉर्ट का तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है? ये जो पार्टीशन का एल्गोरिथम है, इससे पिवट का इंडेक्स कैसे आ गया? पिवट का इंडेक्स कैसे आ गया? मतलब यस मिस, जब पार्टीशन हो गया तो इससे आप पिवट का इंडेक्स कैसे पता चल रहा है? पिवट का इंडेक्स ऐसे पता चल रहा है कि पी इंडेक्स को पहले मैंने चेक करवाया था, उसके बाद जो है मैंने कहा कि अगर ये वैल्यूज जो है वो पिवट से स्मॉल हैं तो स्वैप कर दे, अगर ग्रेटर हैं तो छोड़ दे। तो जो स्मॉलर वैल्यूज थी वो स्वैप होते होते आपके यहाँ तक आ गई, ठीक है? यहाँ पर जो है आपके 2, 1, 3 और यहाँ पर 6 था। लास्ट में लॉजिक क्या लिखी है, पिवट जो है वो आपका पिवट एलिमेंट आपका लास्ट में पड़ा हुआ था। तो जब ये आपकी स्वैपिंग कंप्लीट हो जाए, पार्टीशन हो जाए, तो इसको प्रॉपर करने के लिए क्या किया, स्वैप कर दे एरे ऑफ पी इंडेक्स को किससे, एरे ऑफ एंड से। एरे ऑफ एंड पे आपका क्या पड़ा था, पिवट एलिमेंट, और पिवट इंडेक्स में आपके यहाँ पर जितनी दफा स्वैपिंग होगी पिवट इंडेक्स जो है वो एक आगे आता जाएगा। तो पिवट इंडेक्स आपका यहाँ पर था, मींस ये कि स्वैपिंग एक दफा हुई, दो दफा हुई, तीन दफा हुई, आपका पी इंडेक्स जो है वो 3 पर आ गया। तो लास्ट में जब आपके पार्टीशन हो जाए तो पिवट एलिमेंट को वो उठाकर पी इंडेक्स पे रख दे, और जो पी इंडेक्स पे था वो एंड पे कर दे ये वाली। तो ऐसे मुझे पता चल गया कि पी इंडेक्स क्या है, पिवट का इंडेक्स क्या है, क्योंकि पिवट इंडेक्स मैंने पहले 0 इनिशियलाइज करवाया था और फिर स्वैपिंग होते होते वो अपनी पोजीशन पे आ गया, क्योंकि उससे सारी लेसर वैल्यूज जो है वो राइट लेफ्ट पे चली गई और ग्रेटर वैल्यूज राइट पर आ गई हैं। बस ऐसे एक बात पूछनी है, अभी यार क्लास एंड कर रही है, वो नमाज का टाइम हो रहा है, वही आप पढ़ाएंगे? जी मैं क्लास एंड कर रही हूं। ये क्विक सॉर्ट जो है वो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करके सबमिट करवाना है, अगर इम्प्लीमेंट ना हो तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। मैम ये स्लाइड्स केयर के साथ शेयर कर दे मैम, ये स्लाइड शेयर कर दूंगी मैम। मैम आप जो क्विज लेंगी तो वो पेपर पे कोड लिखना होगा हमें? कोड उसमें बेसिकली, अच्छा मैं कोड से आप लोगों को ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि सिंटैक्स उसमें बिल्कुल सही होगा। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास से कहा है कि सिंटैक्स का कोई मसला नहीं है, आपकी लॉजिक सही होनी चाहिए, ठीक है? लेट्स से कि आप ये क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम है, आपने एल्गोरिथम बिल्कुल सही लिखा है, अब इसमें अगर कहीं इंडेंटेशन का मसला है या कोलन का मसला है या कहीं पर आपने फॉर के सिंटैक्स में अगर मसला किया है, दैट डजंट मैटर, लॉजिक होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए लूप कहाँ पर लगाना है, उसके इंडेक्सेस क्या होने चाहिए। अगर सिंटैक्स का कोई मसला होगा उसका कोई इशू नहीं है, तो कॉपी पे ही लिखना है आप लोगों ने। तो मैं अगर हम जैसे आपको पाइथन की फाइल ही सबमिट कर दें पिक्चर की जगह जैसे आपने कहा है? नहीं आप भले आप कोड जो है वो नहीं कॉपी पे ही करना है, फिर उससे इशू ये होगा, असल में ये ऑनलाइन है तो मुझे पता है ऑनलाइन क्विज या ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से हो रहा होता है, तो आपने लैपटॉप वगैरह यूज नहीं करना, कॉपी पे करना है, ठीक है? अगर फिजिकल क्लासेस हो रही होती तो मैं भले लैब में ले लेती, फिर कोई मसला नहीं था। ड्यूरेशन जो है वो आपका हाफ एन आवर या मैक्सिमम 45 मिनट्स तक का होगा। तो बस यहां गूगल मीट में ऑप्शन है और अपलोड करने का पिक्चर वगैरह क्लासरूम पे अपलोड करेंगे ना आप? अच्छा क्लासरूम में, ठीक है। और किसी को कोई मसला? मिस अटेंडेंस लग सकती है, मैं लेट जॉइन हुआ था। आप अपनी अटेंडेंस जो है वो चैट पर लिखना, जिन जिन लोगों की नहीं हुई है वो मैं नोट कर लेती हूँ। मिस जी जो आपने बताया कि ग्रुप में चार स्टूडेंट कम नहीं, मिस इस तरह तो 20 तकरीबन 78 बच्चे हमारी क्लास में, तो तकरीबन आपके 19 ग्रुप बनेंगे एक क्लास के। ये अच्छी बात नहीं है, ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनेंगे क्लास से तो चलें ठीक है। मैं तो मैं आपकी आसानी के लिए कह रहा था, चलें मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। मैं परेशानी बर्दाश्त कर लूंगी, आप लोग 4 लोगों का ग्रुप बनाए मैक्सिमम। चलें ठीक है। और मिस एक ग्रुप में अगर 4 स्टूडेंट हैं तो चारों का कोड बिल्कुल सेम होगा? कोड ग्रुप में प्रोजेक्ट नहीं किया है पहले? ग्रुप में प्रोजेक्ट किस तरीके से होता है, मिलके आप काम कर रहे होते हैं, मॉड्यूल्स डिवाइड कर लेते हैं आपस में। लेट्स से अगर आपके प्रोजेक्ट में जो है वो 6 स्क्रीन है, 2 स्क्रीन कोई बना ले, 2 स्क्रीन कोई बना, कोई यूआई पे काम कर ले, कोई फंक्शनैलिटी पे काम कर ले, आपस में काम डिवाइड करें। मैं पूछूंगी लास्ट में कि किसने क्या काम किया है, और टीचर को पता चल जाता है, इससे पहले भी मैं प्रोजेक्ट्स ले चुकी हूँ, तो वैसे भी जब हम भी करते थे टीचर को पता चल जाता है किसने काम किया किसने नहीं काम किया, तो कोशिश करें कि सब काम करें। यूजुअली काम एक बंदा कर रहा होता है और मार्क्स सबको मिल रहे होते हैं, पर ऐसा नहीं होता, तो सब काम करें, इससे आप लोगों की भी लर्निंग होगी, ठीक है? बाकी जिन लोगों की अटेंडेंस रह गई है वो चैट पर अपनी अटेंडेंस लिख दें, मैं अटेंडेंस लगा दूंगी, और ये फाइल मैं क्लासरूम पर अपलोड कर देती हूँ क्विक सॉर्ट वाली।
हाँ कोई मसला हो तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, मुझे बता दीजिएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि किसने काम किया या नहीं किया? मुझे पता चल जाएगा, उसकी फिक्र ना करें। मैं आपको बुक को पहले देखनी पड़ा या तो वैसे भी अंदाजा हो जाता है टीचर्स को। ठीक है, आपने डेटा स्ट्रक्चर में जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह का नहीं बताया। डेटा स्ट्रक्चर्स में मैंने बिग ऑन नोटेशन बताया तो था, एक्सेसिंग किसका एक्सेसिंग टाइम क्या होता है नहीं बताया मैंने, लिंगलिस्ट में या नो मिस। चलो जो चीजें मैंने नहीं बताई है वो मैं क्विज में नहीं दूंगी, बाकी वैसे खैर डेटा स्ट्रक्चर जो है डिटेल्स में आप लोग पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वर्स्ट टाइम क्या होती है, एवरेज टाइम क्या होती है, सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन जो आपके एल्गोरिथम्स हैं उनका बताया मैंने, और क्विक सॉर्ट की जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी बिग ओ ऑफ एन लॉग एन होती है। ये अच्छी बुरी है? एवरेज मीन्स ये कि ये बहुत बेस्ट भी नहीं है, बेस्ट आपकी सबसे बेस्ट होती है आपकी बिग ओ ऑफ वन, एक ही टाइम बिग ओ ऑफ वन मीन्स ये कि आप ये कॉन्स्टेंट हो गया, आप इसमें आपके नंबर ऑफ इनपुट से आपके एक्सेसिंग टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कॉन्स्टेंट टाइम में एक्सेस कर सकते हैं आप। ये जनरली किसकी होती है? एरे की होती है। एरे की एक्सेसिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ओ ऑफ वन होती है, क्योंकि आप एरे में सिर्फ उसका इंडेक्स मेंशन करना है। लेट्स से मैं कहती हूँ कि एरे ऑफ जीरो, तो ये डायरेक्ट जाकर के इस एलिमेंट को एक्सेस कर लेता है, ठीक है। लेकिन आपकी जो लिंक्ड लिस्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ओ ऑफ एन। अगर आपने किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपने सारे एलिमेंट्स, लेट्स से मुझे जो है वो लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है लिंक्ड लिस्ट की, तो मैं लास्ट एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकती जब तक मैं सारे एलिमेंट पे ट्रैवर्स ना करूं। ऐसा ही है, सारे नोड्स को ट्रैवर्स करना पड़ता है फिर लास्ट एलिमेंट पे जा सकती हूं मैं। तो अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है, उसका टाइम भी बढ़ रहा है। बाइनरी सर्च की क्या होगी फिर? बाइनरी सर्च की बिग ओ ऑफ एन थी ना, मैंने बताया तो था, मेरे माइंड से निकल गया, चेक कर लेता हूं। उसमें तो जो हम एरे यूज करेंगे तो उसमें सारे हमें आइट्रेट करना पड़ेगा ना, ट्रैवर्स करना पड़ेगा कि एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, तो बिग ओ ऑफ एन होती है शायद। हाँ, इसकी जो है वो लॉग एन होती है, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की लॉग एन होती है, बेस्ट टाइम जो है वो बिग ओ ऑफ एन, सॉरी बिग ओ ऑफ वन होती है। लॉग एन क्यों होती है? लॉग एन का मतलब ये होता है कि एक्सपोनेंशियली जो है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, मीन्स ये कि डायरेक्टली इनपुट से लॉग में जो है वैल्यू कम हो जाती है, मीन्स ये कि बिग ओ ऑफ एन से बेहतर होती है। Okay. इसकी पूरी डेरिवेशन होती है जो शायद आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो क्विक सॉर्ट की है वो एन लॉग एन है। मिस जी, प्रोजेक्ट में एसक्यूएल यूज करना जरूरी, वो जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोई और अगर आप डेटाबेस यूज कर सकते हैं तो कोई और कर लें, यानी सिर्फ हम अगर पाइथन को यूज करते हुए बनाए एसक्यूएल तो डेटा कहीं तो सेव करवाना पड़ेगा ना आपको, उसके लिए क्या करेंगे? अच्छा, डेटाबेस का इशू नहीं होगा क्योंकि हम अपने कंप्यूटर के हिसाब से करेंगे, लेकिन अगर किसी और तो अपने कंप्यूटर में भी तो आपको कहीं ना कहीं तो सेव करवाना पड़ेगा ना डेटा। कैसे सेव करेंगे? मल्टीपल स्क्रीन होंगी आपकी, मल्टीपल, लेट्स से अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कोई आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, अब वो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो आपको हो सकता है किसी और स्क्रीन से भी एक्सेस करना हो। अगर आप एरे में किसी रेप करवाएंगे, एरे में जैसे मैंने पहले भी बताया था मसले मसाइल होते हैं, आप सेव कहाँ करवाएंगे ये सारा डेटा? मैम उसे आप कैसे एक्सेस करेंगे? हम कोड अगर लिख के देंगे तो डेटाबेस तो हमारे पास होगा, ये फिजिकल चेक करूंगी ना मैं आप लोगों, प्रोजेक्ट्स तो आपके फिजिकल चेक होंगे, और वैसे डेटाबेस का आप बैकअप शेयर कर सकते हैं मुझसे, आप बैकअप की फाइल बनाकर दे दीजिएगा, मैं अपने पास अपलोड कर रीस्टोर करके देख लूंगी। चलो ठीक है मैम, ठीक है, चार्ज में एंड कर रही हूँ, बाकी अटेंडेंस आप लोगों की जिसकी रह गई है वो चार्ट पर लग दे, और अगर किसी को कुछ समझना है तो वो हम क्विज के बाद डिस्कस कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपका क्विज होगा, ठीक है? क्विज किस दिन होगा जी?
क्विज किसकी होगा जिससे आप यूज अल्लाह हाफिज मैम मिस इज नेक्स्ट मैम कोर्स आउटलाइन शेयर कर देंगे मैम कोर्स आउटलाइन मैं नेक्स्ट क्लास में शेयर कर दूंगी उससे नेक्स्ट क्लास में कोर्स आउटलाइन आपकी वही है मोस्टली जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं ठीक है क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया मैंने तो आपका पेपर भी मैं ही बनाऊंगी और मार्क्स रिवीजन वगैरह भी मैं ही करूंगी ठीक है क्लास अल्लाह मिस ये इसके बारे से बता दें किस दिन होगा फ्राइडे को कभी मंडे के बाद होगा जब भी होगा